वीडियो के पास, फिर आप प्रोफाइल है फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हमने ये डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, ये कैसे बनाया है, हमारे पास टेम्पलेट बेस थे, सारे टेम्पलेट बेस बनाया था। अब इसका जो टेम्पलेट था वो करेक्ट बता देता हूँ कौन कौन सा। ये एक टेम्पलेट मिल गया हमारे पास, ये हमें बिजनेस से ही टेम्पलेट मिल गया, यहाँ से हमने रिहमे वाला चेंज कर दिया। इसी तरह एक और डाइट वाला हमने टेम्पलेट बना कर लिया, डाइट में हमारे पास ये आ गया। बाकी हमने इमेज चेंज कर दिया, इमेज में हमने इसको हटा के यहाँ सिंपल एक फूड कर लिया था। ठीक है, फूड ले लिया हमने इसको, जो फूड हमारे पास आ गया था अलग अलग। ठीक है, फूड है, डाइट फूड है, तो उसके रेलेवेंट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास मिल गए थे। ठीक है, हमने वो एलिमेंट डाल दिया, चेंज कर दिया इसको, ग्राफिक्स में जाना है, वीडियो में जाना है, जिस तरह आप चाह रहे हो इस तरह का आपको इमेज एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आपने उस हिसाब से नाम चेंज कर दिया आपने। इसी तरह यही सारे जो एलिमेंट है, टेम्पलेट थे हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट वाला टेम्पलेट था। हाँ, तो टेम्पलेट में आ गए, आपके पास मनी वाला टेम्पलेट है, मनी। ठीक है, जो जो कीवर्ड हमने लिखे तो ये आ गया। अब इसको हमने वहाँ से फॉरन से ये वाला टेम्पलेट से इसको चेंज कर दिया, उसका जो एलिमेंट है ये वाला डॉलर का साइन लगा दिया। अब ये है बिल्ड बिजनेस, बिजनेस वाला टेम्पलेट ले लिया। ठीक है, बिजनेस, अब इसमें जो रेलेवेंट हमें लगा बिजनेस वाले, अब इसमें बहुत सारे बिजनेस के टेम्पलेट थे। ठीक है, तो ये दिस वन बिजनेस वाला, इसमें ये आदमी था, गंजा था, तो हमने अपना लगा दिया था और अच्छा लग गया। ठीक है, और कौन सा टेम्पलेट है हमारे पास, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लिखा एक वर्ड, ये डायरेक्ट आ गया, और इसका फॉन्ट कौन सा है, परमानेंट, ये अलग फॉन्ट है। ठीक है, इसी तरह हर किसी का फॉन्ट अलग करना है, लाइक इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है, दिस वन, इसका डाइट का मुझे फॉन्ट करना है, तो परमानेंट मार्कर वाला फॉन्ट था जो हमने देखा, परमानेंट मार्कर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक्चुअली जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नई नई चीजें, नए नए फॉन्ट्स, नई नई चीजें आपको पता चलती जाएगी। ठीक है, परमानेंट मार्कर वाला फॉन्ट आ गया। ठीक है, तो ये परमानेंट मार्कर, ये फॉन्ट का नाम है एक्चुअली। ठीक है, इट्स नॉट लाइक हम मार्कर मंगवा रहे क्लास में, तो आपने उस हिसाब से कर लिया, परमानेंट मार्कर वाला जो फॉन्ट है आपके पास आ गया। ठीक है, आप इसको भी देखोगे अलग से इसको, तो आपको अच्छा लगेगा, डिपेंड है। अब ये जो एलिमेंट था, हाँ, ये जो था इन्वेस्टमेंट वाला, अपने बिजनेस में लाया आपने, स्मार्टेस्ट देख लो, स्मार्टेस्ट बिजनेस, तो आपको डायरेक्ट वो फॉर्म मिल गया। या फिर आपको एक वर्ड लिखोगे इन्वेस्टमेंट था, उसका कीवर्ड वगैरह आपने यहाँ बिजनेस पे देख लिया। ये रैंडमली आपने टेम्पलेट्स पे जब जाते हो तो टेम्पलेट में आपको बहुत सारे टेम्पलेट, तो बिजनेस के थीम्स पे, कॉर्पोरेट की थीम पे, प्रोफेशनल थीम पे, और स्कूलिंग के, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के, हर चीज़ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएगी अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर बना के दे दोगे। अब ऑर्डर आएगा आपके पास तो आप एक्चुअली करोगे क्या, इसको हम पूरा खोल के देख लेते हैं वापस से कि इसमें क्या क्या चीजें, एलिमेंट है क्या क्या चीजें, इसका इसको पूरा कर लेते हैं। अब इसकी फॉन्ट क्या है, ब्राउन है। ठीक है, ये इसकी फॉन्ट है, और इसकी दो फॉन्ट क्या है, मैट्रेस है, और इसकी एक और फॉन्ट ये वाली है, एक और फॉन्ट ये है। ठीक है, फॉन्ट ये है, चार फॉन्ट या दो फॉन्ट, तीन फॉन्ट यूज होगी। इसकी फॉन्ट भी अलग है, तो दो फॉन्ट की सेम ही हो रही है। ये भी एक, ये एक एलिमेंट है, ये एक सर्कल है, सर्कल यहाँ से नॉर्मली मिल जाते हैं इस तरह, सर्कल। ठीक है, एलिमेंट में जाएंगे तो सर्कल लिख लेंगे, तो एलिमेंट सर्कल आ जाएगा। तो ग्राफिक्स में चले जाएंगे इसका, तो ये अलग अलग सर्कल मिल रहे होंगे, फ्रेम वाला सर्कल अलग है इसका, एग्जैक्टली यही सर्कल चाहिए, तो ये स्टीकर टाइप का सर्कल है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का नाम बताना चाहिए, तो इस एलिमेंट का नाम जो है सर्कल सेल वाला सर्कल, इससे भी नहीं आ रहा,
एलिमेंट इसी में होगा, फोटोग्राफिक्स सेल्स का या किसका, तो वो इस तरह हमें ढूंढना पड़ेगा। या टियर क्या हुआ, उसको फोल्ड क्या हुआ, इस तरह वो हमें ढूंढना पड़ेगा। वंस हम ढूंढ लेंगे तो अलग अलग सर्कल्स मिल जाएगा। अच्छा ये जो एलिमेंट है इसके पीछे वाला, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड कलर है दिस वन, ये अलग किया है इसने, कि ये जो एक कहलाता है आपको ग्रिड लाइन, ठीक है, ये आप उसको चेंज भी कर सकते हो। दिस वन आपने ग्रीन कर दिया, आपने अगेन ग्रीन कर दिया, तो एक डार्क ग्रीन हो जाएगा, एक लाइट ग्रीन हो जाएगा। इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। आप एलिमेंट में जाएंगे, ग्रेडियंट लिखेंगे, ग्रेडियंट्स के नाम से आपको अलग अलग ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। आपने लिखा ब्लू ग्रेडियंट चाहिए आपको, तो यही वाला ग्रेडियंट आपको यहाँ से मिल जाएगा अलग अलग। तो दो ग्रेडियंट, अब ग्राफिक्स वाले ग्रेडियंट में जाएंगे तो आपके पास वो कलर भी चेंज हो सकता है। मीन्स अगर आपने ग्राफिक्स वाले ग्रेडियंट में गए तो ये कलर भी चेंज होगा इसका, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो ग्राफिक्स के ग्रेडियंट अलग होंगे, इसके ग्रेडियंट अलग होंगे। तो ये फोटो हाँ बिल्कुल तीन ग्रेडियंट, अलग अलग ग्रेडियंट है। अब ये ग्रेडियंट भी चेंज हो सकता है कलर इसका, तो कलर चेंज कर दिया, इसको भी कलर चेंज कर दिया, और इस ग्रेडियंट को क्या कर दिया होगा, ट्रांसपेरेंट कर दिया ज़्यादा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी किया, इसको भी ट्रांसपेरेंसी किया, इसको भी चेक करके ट्रांसपेरेंसी किया, नहीं किया, 100% ट्रांसपेरेंसी। तो एग्जैक्टली वही जो ग्रेडियंट है अलग अलग जो बने हुए हैं ग्रेडियंट हमारे पास, वो लेके आएंगे। और बाकी जो कुछ चीज़ें एलिमेंट इसमें नए हैं, या अगर नया टेम्पलेट भी निकालते हैं लाइक इसमें, और कोई मुश्किल सा डिज़ाइन अगर देखते हैं यहाँ पर हम, कौन सा मुश्किल सा लग रहा है इसमें, सपोज करो दिस वन, ठीक है, मनी मैग्नेट। अब ये मनी का सा है, फ्लाइंग वाला मनी, ये मैनेजमेंट है, ये है इसका, ये एलिमेंट है, और ये क्या है इसका, पैटर्न है पूरा पूरा, ये पूरा पूरा बैकग्राउंड है इसमें, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, बबल्स में आ सकता है, ब्लू कलर में आ सकता है। इसके एलिमेंट्स हमें निकालना पड़ेगा ब्लू कलर के, हमें इसको फिल्टर कर सकते हैं, जो भी ब्लू कलर का है एब्स्ट्रैक्ट या बबल्स है, बबल्स है, ठीक है, इसको इसको हम स्पेशली बबल्स को फिल्टर कर सकते हैं इसको यहाँ से, कि सारे ब्लू कलर के बबल्स दिखा दो या सारे इस तरह के ब्लू कलर वाले ही हो, ठीक है। ये ब्लू कलर को हमने हाईलाइट कर दिया, स्पेशली अप्लाई किया, तो अब जो भी सारी चीज़ें होगी सारे ब्लू कलर में आ जाएंगे। आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखो, आप एब्स्ट्रैक्ट, तो जो भी सारे ब्लू कलर के होंगे एग्जैक्टली इस कलर का चाहिए हमें, तो उस फिल्टर, अगर ग्रीन कलर का चाहिए मुझे लाइट ब्लू, तो वो इस तरह आ जाएगा। अगर कोई कलरफुल सा चाहिए ग्रीन सा, ठीक है, तो इस तरह के आप अपनी मर्जी से भी कॉल आउट कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। कटआउट चाहिए कोई ब्लू कलर का, ठीक है, कटआउट इमेज चाहिए, बॉय का इमेज जो है कटआउट हो, तो फिल्टर से आप इसको वहाँ से फिल्टर से आप मंगवा सकते हो, कि ब्लू कलर का कटआउट हो, ब्लू थीम चल रहा है आपका, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं आएगा आपके पास, या वरना आप नॉर्मली जो आपके पास कलर है आप सेलेक्ट ना करें शायद, यहाँ से क्लियर करना है, आप क्लियर ऑल कर दोगे और सिर्फ आप कटआउट कर दोगे, कटआउट यानी आपको बैकग्राउंड रिमूव हुए जो बॉय है वो मिल जाएगा फोटोज में, ठीक है। तो ये सारे कटआउट आ गए, कितने कटआउट आ जाएंगे, बहुत सारे, मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे। बॉय जिसमें एलिमेंट में लिखा होगा, अब ये बॉय है या नहीं है, अब इसका क्या है, यहाँ पर हर चीज़ का एक लेबल लगा हुआ है एक्चुअली। इसके अंदर क्या है, ये क्यों फिल्टर आउट कर रहा है कैनवा, कैनवा प्रो के अंदर ये जो चीज़ें हैं, हैप्पी स्माइलिंग 10 ईयर बॉय, अब ये इसका कीवर्ड है, बॉय है, टीनेजर है, 9 ईयर्स है और 10 ईयर्स है और स्कूलर है, ठीक है। ऑल कीवर्ड देखोगे इसका, इतने सारे कीवर्ड, तो ये एक्चुअली उन्होंने हर फोटो बेचने के लिए निकाला हुआ, हर फोटो, आप जिस फोटो को निकालोगे तो वो फोटो आएगा, और किसी ने लाइक किया भाई, नहीं लाइक किया, अपने फोल्डर में डालना चाह रहे हो उसको, तो आप ऐड टू फोल्डर कर सकते हो, आपको अलाउ होगा, तो आप अपने इस टाइप के जो एलिमेंट है, अब ये किसने ऐड किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रीब्यूटर है ये सारे, अब ये कॉन्ट्रीब्यूटर है इसका, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और ये इसके फुटेज है, इसके प्राइजेस मिलते रहते हैं,
इनका सारा कलेक्शन है, ठीक है। आप अपना कलेक्शन भी बना सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटर का, लेकिन वो भी बंद हो गया वो ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज पे हम जाना चाह रहे हैं, वो है आपका कैनवा के अंदर पैसे आपको ज्यादा मिले उसके एक्चुअली। तो वो कौन सी ऐसी गिग है या कौन सी ऐसी चीज है जिसके पैसे ज्यादा मिलेंगे? आप एज अ फ्रीलांसर हो या आपको पैसे किसी को देने हैं, पेमेंट करनी है, तो फ्रीलांसर्स के आपके बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। फ्रीलांसर को क्या बेनिफिट है इसमें? तो फ्रीलांसर का एक होता है इनवॉइस बनाना। तो फ्रीलांसर्स के लिए आपके बहुत बहुत सारी चेकलिस्ट हो गई, आपकी गिग साइज का मिल जाएगा, आपकी हर चीज फ्रीलांसर से मिल जाएगा। लेकिन आप फ्रीलांसर एज अ इनवॉइस बनाओगे, ठीक है, इनवॉइस यानी आपको अपनी रसीद काट के देनी है, तो इसकी भी बहुत डिमांड है कि फ्रीलांसर्स के लिए आप इनवॉइस बना दो। जरूरी नहीं है ग्राफिक डिजाइनर भी आपसे मंगवाए, वो एक्चुअल ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, वो वीडियोग्राफर है, वो एक वेबसाइट डिजाइनर है, वो एक ट्रांसलेशन लिखता है, उसको नहीं पता उसको ये ऑप्शन, तो आप उसके लिए भी सर्विसेज दे सकते हो, या फिर वो फ्रीलांसर को भी आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज इनवॉइस बेचने में सर्विस दे सकते हो। अब जिस तरह ये आपके पास सर्विसेज है, आपने जो है ये इनवॉइस है आपके पास बना बना इनवॉइस है, ये फ्री में भी है, प्रो में भी है, तो आप नॉर्मल ये भी ले सकते हो कि आपने किसी ग्राफिक डिजाइनर के लिए सर्विसेज बनाई और आपने क्या बेचा उसको, ग्राफिक डिजाइनिंग बेच दी, अब आपने क्या बना के दे दिया इसको, आप एक्चुअली इनवॉइस बेच रहे हो टी शर्ट्स की, पैकेजिंग की, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा इसमें, ग्राफिक्स की इनवॉइस बनानी है तो आपने ग्राफिक्स की इनवॉइस बना दी, ठीक है। तो ब्राउशर बनवाया उसने, लोगो डिजाइन करवाया, कितने का, $50 का, कितने का डॉलर बनाएगा, लोगो बनाया $50 का, तो आपको एक रसीद तो देनी पड़ेगी ना, टोकन ऑफ, एक प्रूफ देना पड़ता है ना कि आपने चार लोगो डिजाइन करवाए, लेट सपोज आपने पांच कर दिए इसको, पांच बनाए और आपने लेट सपोज $5 के बनाए, शायद मे बी पॉसिबल आपका इतना बिलीव नहीं है कि आप $50 का बना के दोगे, तो आपने पांच के हिसाब से आपने 25 का बना के दे दिया, $25 का काम करके दिया, आपका बिलीव है कि आप वेबसाइट बनाओगे तो आप सिर्फ $40 की बनाओगे बल्कि $100 चार्ज करोगे, हैवी वेबसाइट बना के दोगे, तो आपने एक वेबसाइट बना दी, चलो एक काम किया, बड़ा काम पकड़ा आपने, तो आपने अपना इनवॉइस बना दी इसका, तो $100 ये हो गया आपके, तो आपने वही टेम्पलेट ले लिया आपने, आपने जो चीज़ें हैं सेम वही रखनी है, $100 कैलकुलेट कर लिया, बाकी प्लस माइनस तो आता है, आपने वही प्रेजेंटेशन आपने तीन बना दी आपने, और $50 के हिसाब से बना दी प्रेजेंटेशन, या $10 के हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के दे दिया आपने, कितने डॉलर हो गए, $30 हो गए आपके, ठीक है। अब यही $30 का है और टोटल मिला के कोई टैक्स वैक्स लग रहा है उस पर, सपोज टैक्स तो है ही नहीं आपका, आपने मेरा टैक्स नहीं मेरा, या टैक्स है तो आपने टैक्स $5 कर दिया सपोज करो, बाकी आपने जो है कैलकुलेट किया 25, 100 और 30 कितना हो गया, 155 टैक्स ऐड कर दो, 160 कर दो फिर, ठीक है। तो $160 का आपने काम करके दे दिया, अपना नाम चेंज कर दिया, इनवॉइस आपने किया जेम्स बॉर्न को आपने बना के दे दिया, आपने जेम्स बॉर्न के लिए काम किया आपने, और फॉर्म आपकी अपनी कंपनी तो आपने अपनी कंपनी के लिए काम कर दिया। तो इस तरह आप बहुत सारे इनवॉइसेस बना बना के दे सकते हो, जहाँ साइन करनी है आपने साइन कर दिया, सिग्नेचर करनी है सिग्नेचर कर दिया, तरीका वही है, चीज़ें वही है, आपने इसको PDF में तमीज़ से दे दिया तो थोड़ा सा, ठीक है, PDF में दे दिया इसको तो प्रेजेंटेबल लगेगा कि आपने इसको डॉक्यूमेंट दिया है, क्या दिया है, डॉक्यूमेंट दिया, इसको हम PDF में भी देंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट कर दी इसको, ठीक है, ये PDF में हो गया, वरना वही हम इसको इमेज भी दे सकते हैं, बाकी कुछ और हमने दिया इसको इनवॉइस में बनाकर, तो वो देख लेते हैं, कोई PDF वगैरह और बना कर दिए तो डाउनलोड्स में बस पड़ा हुआ इनवॉइस, फ्रीलांसिंग इनवॉइस, क्लाइंट इनवॉइस, नहीं बनाऊंगी इसको,
ठीक है, इनवॉइस बना दिया अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, 500 लोकल उर्दू में बनानी है, अपने सर बना दी, अपना जो कंपनी है ऑसम एंड को अपने उस पर लिख लिया, अपना नाम लिख लिया, आपको जो भी चीज़ें थी आपने अपनी चीज़ें ऐड कर दी, कोई मिस्टेक है तो आपके पास तो टैबलेट पड़ा हुआ, सारा अगर काम किया आपने उसको क्लाइंट को एक तमीज़ से चीज़ें बता दी, पेमेंट आपने इस मैथड से लिया, इस पैसा से लेना है चीज़ें हैं, तो वो लोकल क्लाइंट के भी कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट के भी, तो पैसे आपको लेने ही हैं, तो उसकी रसीद भी बनाकर भी करो, ताकि डिज़ाइनर, तो ये एक बहुत डिमांडिंग सर्विस है। अगर आप फाइवर पर इसको जाओ, ठीक है, या इसको कीवर्ड ही फाइंड करो, फ्रीलांसर इनवॉइस कैनवा टेम्पलेट्स, तो इसकी कितनी डिमांड है, तो कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे एक्चुअली, ये 93 इसका डिफिकल्टी है और चीज़ें हैं, कीवर्ड्स है इसका, keyword.io में टेम्पलेट है, रिसोर्सेज है, इनवॉइस जनरेटर्स है, लोग इनवॉइस जनरेटर से बनाते हैं, कैनवा इनवॉइस डाउनलोडर, ठीक है, लोग ये भी ढूंढ रहे थे, यही सर्विसेज ढूंढ रहे लोग, ठीक है, कौन करके देगा, क्या चीज़ें करके देगा, कस्टम आ गए यहाँ पर सारी चीज़ें लोग बनवा के दे रहे हैं, इसमें यही चीज़ें किस तरह एक पॉसिबल है, इसमें यही चीज़ें आपने जो है फ्रीलांसर इनवॉइस को आपने फाइवर पे गए, ठीक है, आपने चेक की मार्केट में क्या डिमांड है, अगर इस पर मैं गिग बनाऊँ तो क्या बिकेगी या नहीं बिकेगी, या बहुत सारे लोग इस पर सर्विसेज है या नहीं है, फ्रीलांसर इनवॉइस की नहीं है लेकिन इनवॉइस की होगी, तो इस सर्विसेज की डिमांड है नहीं है, तो आपने देखा कितनी सर्विसेज बिक रही है इस पर, 1000 और इस पर अगर आप काम करो अभी तो आपको कितने लोग ऑर्डर आ रहे हैं, इसको यहाँ कितने ऑर्डर आ रहे हैं, इसको 4 ऑर्डर लगे हुए हैं इसके, ठीक है, 4 ऑर्डर लगे हुए इसको, यानी ये 4 ऑर्डर डिलीवर करेगा, ठीक है, इसको कितने आए हुए ऑर्डर 2, ठीक है, इसको कितने ऑर्डर आए हुए, अभी इससे पहले भी काम कर चुका है, इसको भी एक ऑर्डर आ चुका है, इन जो पहले आ गए टॉप पर भी रैंक कर कर, तो उनको भी ऑर्डर आ चुके हैं, और पहले अगर उनको नहीं भी आए तो उनका जो लास्ट ऑर्डर डिलीवर होगा तो पता चल जाएगा कि लास्ट ऑर्डर उन्होंने कब डिलीवर किया था, क्या डिलीवर की थी उन्होंने, तो इनका है 1 हफ्ता पहले इन्होंने काम किया था और एक घंटा पहले ऑनलाइन थे ये, ठीक है, तो ये सारा है, इसका पता चल जाएगा कि इसके क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो ये एक अच्छी गीक है, आप रिसर्च करने के लिए रख सकते हो, सेज कर लो अपने पास यहाँ से, तो फाइवर में आपको सर्विसेज देनी है, वो सर्विसेज आप दे सकते हो, एक गीक आप आपका इसका भी बना सकते हो, आप ये कितने सेल आप तकरीबन इसका, क्योंकि हर क्लाइंट 100% रिव्यू नहीं देता, अब इसने 92 किए तो मीन्स इसने सेलर 1 है 2 है, ये फाइवर चॉइस का है, इसको फाइवर चॉइस पे कर रहा है इसी ऑर्डर पर, ठीक है, आई विल डिज़ाइन 0 कस्टम इनवॉइस टेम्पलेट्स, ये इनवॉइस कस्टम इनवॉइस बना के देगा, और फाइवर इसकी गीक को बड़ा पसंद कर रहा है, उसको फेवरेट मिल गया, और कोई इसमें प्रोफेशनल है प्रो वर्जन, कोई प्रो सर्विसेज दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आपने प्रो सर्विसेज से भी रिसर्च करना है एक्चुअली, और प्रो सर्विस वाला कौन है, ये यही प्रोफेशनल वाला 0 टेम्पलेट्स वाला, उसको ऑर्डर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, इसको ये प्रोफेशनल इसको लोगो दिया हुआ, ठीक है, तो ये कौन है, बांग्लादेश स्टूडेंट है और ये अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे एशियन कंट्री से ही हैं, इसी तरह ये सर्विस, अब कुछ सर्विसेज लोकल हैं और ऑनलाइन कौन है, ठीक है, ऑनलाइन कौन है हमारे पास, ये सारे ऑनलाइन कितने 140, और आप ऑनलाइन होंगे तो हाँ हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है, कंपटीशन भी नहीं है इतना, और इतना भी कर सकोगे, एक ऑर्डर आया हुआ अभी जो ऑनलाइन है, वो ऑर्डर ऑनलाइन है तो मीन्स उसको ऑर्डर भी मिल चुका है, मतलब अब उसने लास्ट ऑर्डर कब डिलीवर किया था, एक दिन पहले ही किया था, मैंने उसको पहले ही ऑर्डर मिला होगा या आजकल, क्योंकि वो ऑनलाइन था इसलिए मिला, ऑनलाइन थी रहोगे तो नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन कम है इसका मतलब फिर भी कॉम्पिटिशन में रहना पड़ेगा, हाँ, तो अगर दूसरा देखते तो जो ऑनलाइन है अब इसको मिला नहीं मिला, जो फाइवर चॉइस में चल रहा है ये अब सेकेंड पे आ रहा है, इसको 4 ऑर्डर मिले हुए,
और ये ऑनलाइन है अभी भी, ठीक है, और ये भी ऑनलाइन वाला चेक कर रहे हैं यहाँ से जो ऑनलाइन है, उसको मिला नहीं मिला, तो हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे को ऑर्डर मिल रहा होगा, उसको 5 मिले हुए, और इससे कब डिलीवर किया था लास्ट प्रोजेक्ट? लास्ट 3 घंटा पहले डिलीवरी, ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन रहना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन तो ये बहुत छोटी गीक है, अब इसको भी ऑर्डर आया है, ये इनवॉइस बना के दे रहे हैं, ठीक है, अब इससे कब डिलीवरी की लास्ट? 2 मिनट पहले, बायर रिक्वेस्ट होती है आपके पास कि बायर रिक्वेस्ट आपको आता है, देता है आपको, सेंड करता है, ठीक है, ये इसको भी देख लो रैंडम, इसको ऑर्डर नहीं लगा हुआ, लेकिन इसने कब ऑर्डर डिलीवर किया था? 8 घंटा पहले, इसको ऑर्डर आ चुका है, मिल चुका है, नया ऑर्डर कोई नहीं मिला, लेकिन इससे 8 घंटे पहले एक लास्ट ऑर्डर किया था, ठीक है, तो ये चीजें हैं, ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है, तो आप लोग तैयार हो, रेडी रहो, ऑनलाइन रहो, चाहे आप कैनवा के डिजाइन बनाओ, आप चाहे किसी चीज की भी, तो आप वो इसको छानबीन, पूरी छानबीन करो और देखो कि कैनवा के कितने ऑप्शन है, अब कैनवा वाले कितने, 15,000 कैनवा के आ गए, कितने ऑनलाइन है, 900 लोग, अगर आप बोलते हो मुझे ये सुनने लाते हैं, तो इसको रिसर्च करना शुरू कर दो, सारी सर क्लाइंट ठहरा सकते हैं, सिर्फ रात को बैठ के ऑर्डर्स देने, पूरे सपोर्ट के हम आपको कर देंगे, हाँ हाँ आप अपनी मर्जी से उसको चला सकते हो, आपके थंबनेल परफेक्ट होने चाहिए, फिर आपकी गीक अच्छी होनी चाहिए कि वो आपके पास ही आकर रोके, इसमें कितने 20,000 थंबनेल्स आ गए, ठीक है, ऑनलाइन कितने लोग हैं अभी, रात को और ज्यादा डबल हो जाएंगे ऑनलाइन, 800, रात को 4,000-10,000 हो जाएंगे, मेरे आधे लोग रात को ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है, अभी कुछ और पूछना है आपको इसमें, तो वो आप देखो, वो एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो बता दूंगा, फिलहाल अभी टाइम खत्म हो गया, अभी तो यहाँ क्लास एंड करेंगे और आप धीरे करेंगे, मैंने बताने के लिए बहुत है, सोर्स फाइल को बताया हुआ मैंने, हाँ सोर्स फाइल आपको जो है पीडीएफ फाइल आपको जो मिली थी अभी दिखा देता हूँ, ये है फोटो पी के अलावा और भी बहुत सारे होंगे सोर्स फाइल के, आपको मिल सकता है, आपने जो पीडीएफ फाइल सेव की हुई है, फोटो भी भेजाओगे, सोर्स फाइल निकालोगे, और फोटो भी पे सोर्स फाइल क्या है, पीएसजी चाहिए ना, पीएसजी बन जाएगी ना, हाँ तो पीएसजी बना के दे दोगे ना, आपने जो पीडीएफ डाली थी, आपने जो पीडीएफ डाली है, आपने इनवॉइस की पीडीएफ डाउनलोड में गए, आपने अपने फ्रीलांसिंग इनवॉइस दिया, आपने पीएसजी डाल दी इसको, आपने यहाँ इसको ऐड कर दिया, ठीक है, अब ये लोड हो जाएगा, खुल जाएगा, वही चीज़ आपका एडिटेबल हो जाएगा, एक एक चीज़ उसको आप टेक्निकली समझना पड़ेगा कि जो है फोटोशॉप में इसको एडिट कैसे कर सकते हो, फोटोशॉप में हर चीज़ ब्लॉक होती है, ठीक है, अब ये एडिटेबल है, आप इस चीज़ को चेंज करना चाहो अकॉर्डिंगली, वो चीज़ें चेंज करना चाहो, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र को आप होम ट्रांसफ़र लिख दो तो वो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, अब इस ऑप्शन में कहाँ पर है, इसमें थैंक यू जहाँ चला गया आपके पास, तो जो लाइन है आपका थैंक यू को ऐड करना है, थैंक यू को एडजस्ट करना है, तो आपको जो टूल्स है वो समझने पड़ेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए टूल्स को समझना, हाँ तो ये टूल्स को समझना पड़ेगा पहले आपको, इस टूल के जरिए होगा, आप इस टूल के जरिए उसको फाइल को देना पड़ेगा, हाँ तो वो चीज़ें आप फोटोशॉप पे जाओ, फोटोशॉप का लैपटॉप नहीं है तो आप इसको कर लोगे, वंस आप उसको समझ लोगे, एडजस्ट कर लोगे, आप उसको पीएसडी फाइल में सेव टू पीएसडी कर लोगे, और आपकी जो फाइल होगी वो पीएसडी फोटोशॉप वाली बन जाएगी इसको, ठीक है, ये आपकी फाइल फोटोशॉप बन गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो फाइल आपकी जो सेव हुई है फोटोशॉप की बन गई है, इस तरह की आप फोटोशॉप में फाइल खोलोगे और फिर आप इसको रन कर लोगे,
सिंपल, ठीक है। तो फोटोशॉप में भी आप उसको फाइल को खोल लोगे या फिर बस डायरेक्टली खोल लोगे, ठीक है। डन है। हर कस्टमर मांगता है या कोई कोई कस्टमर मांगता है सोर्स फाइल? सोर्स फाइल मांगता है हर कोई, लेकिन आप देते हैं उनको जो आपको पैसे देता है उसके अलग से चार्ज। यस, उसके भी अलग पैसा है, ठीक है।